सच सच बता दो, क्या हुआ था उस दिन? कंफ्यूज है कुकू। तो मैं बार बार देख रही हूँ कि मम्मी तो नहीं आ रही। Hey guys, welcome back to the channel. Yeah, I am back. और कि कितने दिन तक ब्लॉग करती हूँ वो मुझे नहीं पता, बट यस मैंने आज बहुत ही हिम्मत करके सोचा कि आज ब्लॉग बनाती हूँ। एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जो मैंने ब्लॉग नहीं किया। लाइफ इज टोटली डिफरेंट, डिफरेंट एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज डिफरेंट नाउ। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कि मतलब वो वाली जो लाइफ थी बेबी से पहले की थी, इस लाइफ में कोई मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है। ऐसा लग रहा है दिस लाइफ इज़ नॉट फॉर मी, इट्स फॉर माई किड, एंड समवेयर आई एम इन्जॉइंग इट, बट या इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी स्ट्रगलिंग टाइम फॉर मी एंड फॉर पंकज। वी बोथ आर स्ट्रगलिंग, वी बोथ आर लर्निंग। एंड 3.5 महीने हो गए हैं कुकू को, और इफ़ यू डोंट नो कि मेरी अभी जून में डिलीवरी हुई थी, 24 जून, एंड बेबी बॉय हुआ मुझे। और मैंने काफ़ी सोचा कि अब शायद मैं वीडियो बना पाऊँगी, अब शायद मैं डिलीवरी वाली कोई वीडियो बना पाऊँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बट ट्रस्ट मी गाइस, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 3 महीने तो आपको सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा। बीच में मुझे लगा था कि शायद सब नॉर्मल होने वाला है, और हाउस हेल्प भी मैंने लगवा ली थी 6-7 घंटे के लिए। बच्चा एक्चुअली ना सेट नहीं होता तब तक, 3 महीने तक, और इवन 3 महीने भी हो गए यार, सही बताऊँ तो अभी भी मुझे नहीं है कॉन्फिडेंस कि मतलब वो कब सोएगा, कब उठेगा, वो चेंज होता रह रहा है। और मैं अभी भी लर्निंग फेज में हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। कुकू को सिखाना इस अलग चीज़, मैं उससे ही बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो या बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है ये। तो आज मैंने एक्चुअली क्या रीज़न था, मैंने हिम्मत करके क्यों उठाया कि मैंने कहा कुकू को भी इंट्रोड्यूस करवा दूँ, काफ़ी टाइम हो गया, 3.5 महीने हो गए। और एक्चुअली आज दादा दादी आने वाले हैं कुकू के, मतलब पंकज के मम्मी पापा, मेरे इन लॉज। एक चीज़ है, मतलब एक काम है जो पेंडिंग था, वो करना है। तो आई थॉट कि आई ट्राई टू मेक ब्लॉग, और कर पाती हूँ कि नहीं। अभी शाम के कितने बज गए, 5:30, और अब जाके 5 बजे करीब सोया है वो, बड़ी मुश्किल से। चलो फॉरगेट दैट, वो तो ये वाले हाथ में भी है एक्चुअली दोनों हाथ में मैंने ही लगाई है, और देखो कितनी परफेक्ट लगी है। अब दोनों एक साथ में दिखा नहीं सकती, बट या आई जस्ट लव माई मेहंदी। मैं अपने आप जो चीज़ें करती हूँ ना, उससे ज़्यादा सेटिस्फाई रहती हूँ। तो या अभी ज़्यादा बकबक नहीं करने वाली हूँ, मैं बस इंट्रोडक्शन देने वाली थी कि मैं क्यों ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्यों मैंने इतनी बड़ी हिम्मत करी है ब्लॉग करने के लिए। और बस वो भी आने वाले हैं, शायद आधे घंटे में वो पहुँच जाएंगे। तो या अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, बड़ी मुश्किल से वो सोया, तो मैंने कुछ बनाया अपने लिए, और मेरी जो हाउस हेल्प है वो अभी आएगी, आधे घंटे में आएगी, तो तब तक मैं कुछ खा लेती हूँ। और मैंने बड़े दिनों बाद मटर वाले चावल बनाए हैं, जो मेरे फेवरेट हैं, और मैं 3-4 दिन से इतनी क्रेविंग हो रही थी, मैंने कहा आज मैं बना लेती हूँ, मैं फटाफट खाती हूँ, गर्म गर्म हो रहे हैं, बाद में जब ठंडे हो जाएंगे तो उसको मज़ा ही नहीं रहेगा। या गेट बैक टू यू, तब तक मैं थोड़ा कुछ खा लूँ, भूख लग रही है। Ha 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 ha!
आज पूरे दिन टाइम सही नहीं मिला, सोने उठने में टाइम बीत गया. सो अभी हम थोड़ा सा शॉपिंग करने आए हैं क्योंकि मेरी सिस्टर की डॉटर है, उसका 1 ईयर बर्थडे है, तो उसके लिए शॉपिंग करनी थी और कुकू के लिए भी शॉपिंग करनी थी. कुकू सो रहा है और आज उसने बहुत मस्ती करी अपने दादा दादी के साथ. और उसके बाद हम सोसाइटी में जाएंगे. सोसाइटी में आज एक फंक्शन है, बड़े टाइम बाद मौका मिला है हम दोनों को अकेले जाने का. नहीं तो मतलब तुम निकल ही नहीं सकते ना बिना उसको लिए, साथ में लाना जरूरी होता है क्योंकि छोड़ नहीं सकते घर पे. तो दादा दादी आए, मैं तो छोड़ दिया घर पे. हालांकि वो सोता है, आराम से उठेगा अभी 11-12 बजे उसको जब भूख लगती है. तो सोचा हमने कि एक आध काम निपटा लें. और कल पूजा है सत्यनारायण की कथा है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है, सुबह उठना है टाइम से. सो या अभी चलते हैं. थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है, बस पंकज पैकिंग कराने गया है, तो उसके बाद सोसाइटी में वापस चलते हैं. हाँ कुछ एक आध मिठाई भी लेनी है आई थिंक, बाकी कुछ सब चीज़ें ले ली है. फीलिंग गुड, फैमिली साथ में होती है तो थोड़ा सा एक दिमाग में एक रिलैक्स रहता है कि हाँ घर पे कोई है देखने वाला बड़ा. अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है. आई थिंक न्यू पेरेंट्स और जो अकेले रहते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसा लगता है सब कुछ अपने सर पे बाहर लेके चलना और बच्चे को पालना बड़ा करना. बहुत एक चैलेंजिंग जॉब है. सो या वी आर डूइंग इट एंड लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सी यू सून. अभी चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है. दादा दादी आ गई, आपको कैसा लगता है? कैसा लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग बेबी फीलिंग गुड? मज़ा आ रहा दादा दादी के साथ? मज़ा आया खेलने में? इधर देखो, कैमरा में देखो. सॉरी, आप कैमरा फ्लिक नहीं हो, आप मम्मी की तरह नहीं हो बिल्कुल भी, पापा की तरह हो. आपको कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं है? नहीं है पसंद? नहीं पसंद कैमला? कैमला बिल्कुल पसंद नहीं है? नहीं है पसंद? नहीं है पसंद? बोल दो आज, सच बता दो सबको. जबरदस्ती मेरी मम्मी वीडियो बनाती है ना? एकदम शांत हो जाता है. मेरे पेट में भी ऐसे ही करता था, जैसे मैं वीडियो बनाती थी वैसे ही अपने हाथ पैर चलाने बंद कर देता था, है ना? ऐसे करता था ना, करता था ना, ऐसे करता था, करता था. मान ले मैं ऐसा करता था. हाँ ऐसा करता था. रात भर सोया हूँ, है ना, सिर्फ 1-2 घंटे में टूटता हूँ. मम्मी को थोड़ा परेशान ही तो करता हूँ, और क्या करता हूँ, है ना. मैं कैमरा हटाऊँगी ना तभी आप एक्टिविटी करोगे, है ना, तभी करोगे ना. अभी कुछ भी नहीं कर ले हो, नहीं कर ले हो आप कुछ नहीं कर. गाइस गुड मॉर्निंग, एंड टुडे इज द डे जब पूजा होनी है और वी आर रेडी फॉर द पूजा. ये पूजा है सत्यनारायण की. दिस इज माय लुक एंड ये करवा चौथ की मेहंदी अभी भी बरकरार है. हाँ तो फर्स्ट टाइम मैंने ये ऐसा लुक क्रिएट किया है, बिल्कुल ऐसा चिपकू चिपकू वाला तो जूड़ा बनाया है. सो आई होप अच्छा लग रहा होगा. थोड़ी देर बाद पंडित जी आ जाएंगे, पंडित लेने गया है. सो उसके बाद पूजा वगैरह होगी. प्रसाद मम्मी ने बना दिया ऑलमोस्ट, बाकी जो हाउस हेल्प है वो बना रही है. तो ऑलमोस्ट सब तैयारियां हो ही गई हैं और सब तैयार हो गए हैं. और दिस इज माय सूट. ये मैंने कहाँ से लिया था? मिंत्रा से लिया था आई थिंक.
हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिंत्रा से लिया था। ज्यादा किसी को बुलाया नहीं है, घर घर की पूजा ही है। हाँ मीनाक्षी को बुलाया है, विच इज पंकज और मेरी जो कॉमन फ्रेंड है ऑफिस की, मीनाक्षी इज देयर, शी विल बी हियर सून। तो उसके बाद पंडित जी आ जाएंगे और सब कुछ हम करते हैं। मैं नर्वस इसलिए हो रही हूँ क्योंकि इन लॉज है ना, तो मैं उनके आगे कंफर्टेबल नहीं होती कैमरा वैमरा के लिए। तो बस थोड़ा सा ऐसे टाइम मिला है और मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाने लग गई, तो मैं बार बार देख रही हूँ कि मम्मी तो नहीं आ रही तो इसलिए मैंने बिल्कुल ही अलग से एकदम अपने रूम में आकर ऐसे वीडियो बना रही हूँ, दिख भी रहा होगा। बेबी की फोटो अभी भी यही है। सो वी आर ऑल सेट फॉर दी पूजा, पंकज आ ही गया होगा आई थिंक। शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं च वाह्याभ्यन्तरा शुचे। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातो ओम पुण्डरीक केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। पूजा इज डन, सब हो गया अच्छे से और यह बहुत अच्छा लग रहा है। और पंडित जी वाकई में बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे से उन्होंने पूजा कराई एंड कहानी वहानी बहुत अच्छे से सुनाई। पूजा तो कुकू के लिए थी एंड कुकू इज हेयर। क्या कर रहा है कुकू? कुकू क्या करता है? क्या करता है कुकू? क्या करता है? हो गई पूजा? पूजा कर ली आपने? कर ली है हा? अब आप क्या कर लो? फिर खेली खेली कर लो, खेली खेली कर लो। देखो ठंडू लग जाएगी आपको, ठंडू लग जाती है मेरे बच्चे को, है ना? ठंडू लग जाती है, मैं छोटा भी नहीं हूँ। देखो कितना टाइम हो रहा है, तीन बज गए, छोटा भी नहीं हूँ मैं, है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम हेयर अगेन विद कुकू। और उस दिन क्या हुआ था ना, क्या हुआ था उस दिन कुकू बताएगा। बताओ कुकू क्या हुआ था उस दिन, सच सच बता दो क्या हुआ था उस दिन। कन्फ्यूज है कुकू, इसकी आंखें देखो, इसकी ये देखो, आईब्रोज देखो, कन्फ्यूज हूँ मैं। क्या हुआ था मम्मी उस दिन? उस दिन मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी और बीच में वीडियो बंद हो गई थी, सो मैंने सोचा कि आज एंड तो करना पड़ेगा। तो कितना ध्यान से देख रहा है, क्या हो गया? क्या हो गया? अपनी शक्ल देख रही है, अपनी शक्ल दिख रही है। तो उस दिन स्टोरेज बिल्कुल फुल हो गई थी क्योंकि आजकल इसकी दिन रात इसकी वीडियो बनती रहती है कुकू की, सो बिल्कुल भी इसमें जगह नहीं थी। तो मैंने सोचा आज वीडियो एंड तो करनी है। और हाँ आज एक और चीज़ है कि आज कुकू की कज़न का बर्थडे है, मतलब मेरी छोटी सिस्टर की डॉटर है, वो 1 साल की हो गई है आज। तो आज हम बर्थडे में जाएंगे, है ना? जाएंगे ना बर्थडे, आज हम तैयार होंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, पहनेंगे ना नए कपड़े पहनेंगे, नहाई धोई करेंगे और फिर ओ पले चाल हो गया। चलो फिर मैं तभी मिलती हूँ शाम को तैयार होके, और ठीक है
शाम को मिलते हैं फिर. ओके बाय.